तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। तो फाइनली आपके सामने एक के टोयोटा की कोरोला लेके आया हूँ, जो कि 2019 का मॉडल है। तो इसका एवापोरेटर कॉइल लीकेज हुआ है, मैं आपको तो यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि गैस का स्मेल आ रहा है और कूलिंग भी कम हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसका गाड़ी चालू करता हूँ, एसी चालू कर रहा हूँ। तो बाहर कंप्रेसर का पंपिंग भी दिखा रहा हूँ, कॉइल तो लीकेज है ही है, और कंप्रेसर का बाहर आपको पंपिंग भी दिखा देता हूँ, पंपिंग कितना बना रहा है। तो चलो बाहर चलते हैं अपन। सबसे पहले आपको इसका कंप्रेसर का प्रेशर दिखा देता हूँ, प्रेशर बना रहा है कम बना रहा है। तो मैं मीटर लाइन लगा के रखा हूँ, अंदर से गाड़ी चालू है, एसी चालू है। प्रेशर देखिए आप, जो कि भी इसमें गैस भी कम है तो प्रेशर कम से कम 10 पे आना चाहिए था इसका, लेकिन 30 के ऊपर ही जा रहा है, 40 के लगभग जा रहा है। तो इस वजह से इसका कंप्रेसर भी रिप्लेस करने वाला हूँ, और कंडेंसर नया कंप्रेसर डालेंगे तो कंडेंसर डालना ही पड़ेगा। ये रही इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर कॉइल। तो चलो फिर सबसे पहले मैं डैशबोर्ड खोल के इसका इवापोरेटर चेंज कर देता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो चलो फिर मैं सबसे पहले बैटरी वायर निकाल देता हूँ और खोलने के लिए स्टार्ट करता हूँ डैशबोर्ड। तो सबसे पहले कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो फिर मैं सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे का स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनली मैं बैटरी वायर तो निकाल रिमूव कर चुका हूँ। तो मेरे को कंसोल बॉक्स खोलने से पहले ना, मैं ये जो कंसोल बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ये वाला फाइबर पहले निकलेगा, उसके बाद ही ये कंसोल बॉक्स खुलेगा। तो उससे पहले मैं स्टेयरिंग वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि अपना काम भी ईजी हो जाएगा। तो चलो स्टेयरिंग में खोल देता हूँ। स्टेयरिंग खोलने से पहले अपने को एयरबैग निकालना पड़ेगा, तो आप माइनस स्क्रू ड्रावर लेने का, ये देख लीजिए ये होल दिया है इसको, इसमें डालने का। ये ऊपर साइड इसका लॉक है, स्टीयरिंग सीधा पोजीशन में रख करके ये निकल गया इस साइड का। तो सेम इस साइड भी वैसे ही प्रोसेस है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा। ये भी निकल गया। तो अब इसको एयरबैग को नीचे ले लेता हूँ मैं, और एक लॉक दिया है, तीन लॉक दिया है इसको, एक लॉक इधर है, तो ये लॉक भी निकालता हूँ मैं। तो स्टीयरिंग को थोड़ा सा सीधा कर लेना, ऊपर कर लेना नीचे का लॉक खोलने के लिए। और ये जो देख रहे हैं आप, बस ये वाला टोक जा करके उसको लगना चाहिए, तो ये निकल जाएगा। निकल चुका। तो अब ये इजीली अपना बाहर आ गया। तो चलो अंदर की सॉकेट है मैं निकालता हूँ। तो ये दिया है सॉकेट इसका, ये हाथ से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली अपना सॉकेट भी निकल चुका, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो गाइस, मैं पहले भी वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न ये है कि यहाँ की गाड़ियों को आप देखें कि यहाँ की गाड़ियों का किस तरीके से काम होता है। आप अगर एक एसी टेक्नीशियन हो तो आपका काम सिर्फ एसी का काम करके काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी एसी में ही इतना डिफ़िकल्ट सिस्टम बना दिया है कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता है तो आप ज़ीरो हों। इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको, इतना मेहनत करना पड़ेगा लास्ट टाइम आकर के, कि आप काम छोड़ के भागना पड़ेगा। जब तक कि आप इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है तो आप एसी का काम कर ही नहीं सकते हो बाहर कंट्री में। तो इसलिए आप अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में कहीं भी अगर काम कर रहे हो आप एसी का, तो एसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर कंप्रेसर बंद हो जाता है तो बहुत सारा रीज़न की वजह से कंप्रेसर को बंद कर देता है।
बहुत सारा रीज़न ढूंढना पड़ेगा आपको, जब तक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं होगा तो आप बिल्कुल अधूरा है बोले तो एक आप ऐसा लगेगा कि आप मैं एक शमशान घाट में आकर के बैठा हूँ, एक अलग सा ही फील होगा जब तक कि आप इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आएगा तो। तो मेरा दिखाने का रीज़न यही है कि आप चीज़ों को समझो, अगर आप कभी भी बाहर कंट्री आने का सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो यहाँ की मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलो फिर मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करता हूँ। ये एलिंकी खोलता हूँ, स्टीयरिंग को बाहर निकालता हूँ। तो 12 नंबर का एलिंकी है, मैं इसको लूज़ कर चुका हूँ। तो ये खुल चुका। अब अपने को ये वाली सॉकेट खोलने की ज़रूरत है क्योंकि ये स्टीयरिंग के साथ दिया हुआ है। तो अब अपना स्टीयरिंग निकल जाएगा, एक बार ना आप यहाँ मार्किंग कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी चीज़ से भी मार्किंग कर दें। तो चलो मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ ताकि फिटिंग करने टाइम मैं स्ट्रेटली वही मार्क सेट में बैठा दूँगा तो मेरे को स्टीयरिंग अलाइनमेंट वगैरह करने की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो मैं इसको ज़रा ये लाइन में और ये लाइन में मार्क कर देता हूँ। तो देख रहे हैं ये वाली मार्क कर दिया हूँ मैं। तो चलो फिर अब मैं स्टीयरिंग को निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये फाइनली निकल चुका है स्टीयरिंग, और इसको आप सीधे ही रखें क्योंकि मैं स्टीयरिंग सीधा खोला हूँ। तो इसको लॉक करके ही निकालें आप तो बेटर रहेगा। तो चलो फिर मैं ये स्क्रू है सामने, ये स्क्रू दिख रही है और नीचे एक स्क्रू है, तो ये स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली इसका तीनों स्क्रू खोल चुका हूँ। अब ये आप माइनस स्क्रूड्राइवर से इसको कटा दें तो बेटर रहेगा, या हाथ से भी खींचेंगे तो निकल जाएगा ये। देख पा रहे हैं निकल चुका, तो इसको पीछे ऑन कर देता हूँ। और ये मीटर के साथ है तो मीटर को ही खींच लेता हूँ, इधर निकल जाएगा। माइनस स्क्रूड्राइवर से इसको भी कटाना रहेगा। तो इससे पहले ये खुलेगा अपना, क्योंकि ये मीटर को दबा के रखा है मीटर की कवर को। तो ये खोल देता हूँ पहले, इससे पहले फिर ये खुलेगा, तो इससे पहले फिर ये खुलेगा। तो इसको खोलता हूँ मैं पहले, फिर आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो चलो अब नीचे आ जाते हैं। तो नीचे ये मैं खोल दिया हूँ, इसमें ये वाला एक लॉक रहता है, ये वाला दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद OBD सॉकेट निकाल देता हूँ यहाँ से, माइनस स्क्रूड्राइवर लेना पड़ेगा मेरे को। तो इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका अपना, पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब रही अपना सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, किधर गया माइनस। ये वाला अब जाके निकल रहा है, तो इधर से भी इसको खींच के निकाल लेने का, पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो अभी कंसोल बॉक्स का सेटअप बाद में खोल के दिखाता हूँ, पहले इधर का मैं ही खोल लेता हूँ जब इधर शुरू किया हूँ। तो उसके बाद ये निकल गया, क्या गिरा अपना, कुछ तो गिरा। ये खाली बॉक्स है जो कि यहाँ लगता है, ये निकल गया। ये रही सॉकेट, एक ये रही केबल,
तो ये केबल निकालता हूँ मैं। तो फाइनली अपना केबल भी निकल चुका। अगर यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो केबल को अलग करके निकाल दें इसको। तो चलो इसको मैं सेपरेटली केबल को निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका अपना। तो अब इसको निकालता हूँ मैं, ये वाला साइड का कवर भी निकल चुका। उसके बाद इसको खींचता हूँ, आगे ये निकल जाएगा। अंडरस्टैंड ये भी निकल चुका। उसके बाद ये वाला मीटर का निकल गया, मीटर के ऊपर का। उसके बाद यहाँ पे इसको चिपका हुआ है, तो ये माइनस का स्क्रूड्राइवर का सहायता लेकर के ये रबड़ को, मेरे को ये वाली जो दिख रही है, हाथ से ही निकल गया। चलो ये भी निकल चुका। तो अब मीटर, इधर का मीटर का निकालने का काम रहा मेरा। तो चलो अब 500 बॉक्स निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये अपना जो इधर लग रहा था, तो अब वो तो लगेगा नहीं। तो चलो यहाँ से इसको माइनस स्क्रूड्राइवर से कटाना स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ से निकल चुका। दो भागों में निकलेगा तो इसको दो भागों में ही निकाल देता हूँ। बहुत मस्त दिया है, ये निकल चुका। अब इसको क्या करते हैं अपन, तो इसमें नीचे स्क्रू दिया रहेगा। तो मैं स्क्रू खोलता हूँ, ये तो शायद के निकलेगा नहीं, कोशिश करता हूँ। निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ नीचे से स्क्रू ही निकाल देता हूँ, इसको अलग करता हूँ मैं। तो इसको स्क्रूड्राइवर की सहायता से यहाँ कटाओगे तो ये भी निकल जाएगा, ये सेपरेट अलग हो गया। निकल चुका था। अब इसको करना क्या है, ये मेरे स्क्रूड्राइवर से मेरे ख्याल से कटाओगे ये निकल जाना चाहिए। देखते हैं ट्राई करके। निकल जाएगा। तो एक हाथ से जम नहीं रहा अपने को, इसको निकालता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ आपके सामने ही निकालने की। तो फाइनली कुछ नहीं, ये माइनस का स्क्रूड्राइवर का सहारा लिया, ये निकल चुका अपना। तो अब इसको तो निकाल दिए अपन, लेकिन बट बेबी अपने को ये तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। वापस से फिटिंग हो रहा है। तो चलो मैं इसको इसके अंदर डाल के इसको पलटी मारता हूँ उधर, फिर नीचे दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया है। तो ये देख पा रहे हैं आप, एक सॉकेट इधर दिया है, इसको पलटी मार दिया मैंने, एक सॉकेट इधर दिया है। और एक सॉकेट ये दिया है। तो ये सॉकेट दोनों खोलता हूँ और इसको मैं निकालता हूँ। तो फाइनली इसको भी निकाल दिया अपन, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब रही अपने को, इधर तो कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। इसके बाद ये वाला फाइबर खोलना पड़ेगा अपने को, इसको ऐसे खींचेंगे। बस निकल गया सेम इस साइड का, ये भी निकल चुका। अब एक स्क्रू ये
एक स्क्रू, ये दो, और लास्ट फाइनल ये अंदर दिया है 4-10 नंबर। तो चलो ये फाइनल सब खोलता हूँ और कंसोल बॉक्स का सेटअप पूरा बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये चारों निकाल दिया हूँ 10 नंबर। ये नीचे रही सॉकेट, सॉकेट तो कैंसिल है पहले से ही, और ये दोनों स्क्रू भी खोल दिया हूँ। तो अब अपना ये निकल जाएगा, पीछे कुछ तो लग रहा है, कुछ तो दिया हुआ रहेगा पीछे, नहीं कुछ नहीं है। तो चलो इसको फाइनली मैं बाहर निकालता हूँ। ये लो निकाल दिया बाहर इसको भी। अब अपन आते हैं क्लॉक रिंग के तरफ। क्लॉक रिंग को निकाल देता हूँ क्योंकि क्लॉक रिंग करो इधर उधर चला गया, 12-15 हज़ार का फटका लग जाता है ओरिजिनल क्लॉक रिंग का। यहाँ पे 500 रियाल में मिलता है ये ओरिजिनल क्लॉक रिंग, क्लॉक स्प्रिंग। तो चलो फिर ये लॉक कहाँ रहेगा, लॉक को निकालता हूँ मैं। एक एक लॉक, दो, तीनों लॉक निकालता हूँ मैं। इसको बाहर निकालते, चलो अगर खींच के निकला तो ठीक है, थोड़ा सा माइनस रॉड का सहारा लेना पड़ेगा फिर निकल जाएगा ये। निकल गया, वैसे ये बाजू दिया है बस कैचअप, और एक सॉकेट ये है और एक ये है। निकल चुका सब, और क्या है, और भी तो कुछ लग रहा है, नहीं कुछ नहीं, वो क्लिप की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो मैं इसको कोई धागे वगैरह से बांध देता हूँ, वैसे ये लॉक हो जाता है, देख पा रहे आप, घुमाओगे तो घूमेगा नहीं, तो मुझे इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कोई बहुत सारे बोलते हैं ना, दुश्मन जब पैदा होते हैं तो ऐसा भी सिस्टम रहता है कहीं कहीं कि आकर के इसको ही घुमा देगा और चला जाएगा, बोलेगा क्या मालूम कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, जहाँ पे कैमरा लगी नहीं है, जहाँ यहाँ तो कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है कि इसको घुमा करके पूरा तोड़ के फिर वापस से वही पोजीशन में ला के रख देगा, तो ऐसा होने ना दे, बांध दे और इसका प्रॉपर फ़ोटो वगैरह मार के रखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसको इस गाड़ी में फंसाना है, ये फंसाना, बहुत सारी चीज़ें चलती है सब लाइन में। तो चलो फाइनली मैं इसको खोल दिया, तो इसको अब मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ, और उसके बाद अब ये हेडलाइट का स्विच निकालता हूँ, वाइपर ब्लेड, वाइपर का, हेडलाइट का। तो चलो फिर मैं निकालता हूँ फाइनली। तो हेडलाइट स्विच खोलने के लिए अपने को इधर देख पा रहे हैं ये क्लिप दिया हुआ है, तो ये पकड़ से खोलना पड़ेगा, तो मैं खोलता हूँ इसको। तो ये लॉक खोलने के बाद इसको आप आगे खींचेंगे, निकल गया, ये लॉक को इधर ही लगा के रखें। तो चलो इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो अब अपने को खोलना है मीटर, 1, 2, 3 चार स्क्रू हैं, चारों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली चारों स्क्रू खोलने के बाद ये आगे साइड लेकर के निकल चुका, ये रही सॉकेट, दो सॉकेट है तो दोनों खोलता हूँ मैं, दोनों खुल गया, और एक क्लिप में अटका रहेगा, तो ये माइनस से कटा करके क्लिप निकाल देता हूँ मैं। तो ये फाइनली मीटर निकल गया, तो चलो पीछे होल्ड कर देता हूँ, अब मैं इस साइड का खोलने जा रहा हूँ। तो चलो पहले इस साइड का मैं ग्लो बॉक्स खोल लेता हूँ। ग्लो बॉक्स में तो चलो ग्लो बॉक्स तो आप खोल ही लेंगे, तो ग्लो बॉक्स में खोल के बाहर निकाल देता हूँ फिर दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली मैं ग्लो बॉक्स वगैरह खोल दिया हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, कंट्रोल पैनल को खोल देता हूँ। तो कंट्रोल पैनल खोलने के लिए माइनस स्क्रू ड्राइवर का
बारीक वाला, बिल्कुल बारीक वाला माइनस स्क्रूडार से इसको कटाए आप, ये निकल जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये ऊपर का कवर निकल चुका। उसके बाद ये वाला निकलेगा, तो ये वाला को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये टिल्ली निकलेगा, छोटा सा जो दिया है इसके अंदर ही कुछ 10 नंबर वगैरह दिया रहेगा। तो चलो मैं इसको बड़ा वाला स्क्रूड्राइवर ले लेता हूँ। दरवाजा खोल देता हूँ, फिर ये इजीली अपना निकल गया है। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब उसके बाद ये वाला फाइबर अपना निकलेगा, तो गाड़ी लगभग पूरी तरीके से एकदम खुल चुकी है। मतलब पूरा तरीका पूरा तो नहीं खुला है, लेकिन लगभग पूरा खुलने जैसा ही दिख रहा है। तो उसके बाद ये खोल देने का, तो फाइनली अपना ये वाला केबल वाला सिस्टम आ गया, जो कि ये केबल का सेटिंग बहुत बेकार रहता है। तो इसको ओपन करते हैं, ये दोनों बटन, जो जो बटन में केबल दिया है दोनों बटन निकाल देंगे इस कंट्रोल पैनल से। तो पहले सॉकेट निकाल देते हैं, सब जितने भी सॉकेट है। एक हाथ से खोलना बहुत मुश्किल काम रहता है, फिर भी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ ये सब। देख पा रहे हैं यहाँ से केबल टूटा है, टूट गया भी लगता है मुझे केबल, मतलब टूटा मतलब काम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वहाँ से निकल गया जॉइंट में से, ये जो ऊपर की कोटिंग रहती है इसके वजह से। इसको यहीं से खोल देंगे तो बेटर रहता है। तो चलो मैं इसका लॉक रहेगा, एक ये लॉक रहेगा और 2-3 लॉक रहेगा, उसको कटा करके निकाल के ये दोनों बटन इसको होल्ड कर दूंगा इधर। तो चलो फिर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इसको अलग कर दिया, बटन को अलग कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं। कि ये खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिटिंग हो जाता है, लेकिन बट क्या होता है कि ये टाइम काफ़ी ले लेता है फिटिंग करने में, एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम ले लेता है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो इसको जब अपन डैशबोर्ड निकालेंगे तो इसको अंदर ईजिली ये चला जाएगा। ये हो गया अपना, निकल गया। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब रही अपन टेप को निकाल लेते हैं, टेप ही निकलेगा। उससे पहले ये वाला निकलेगा या टेप का कवर निकलेगा लगता है। बिल्कुल अलग ही सिस्टम दिया है इसमें। तो ये टेप का कवर है, टेप का कवर निकालने के बाद ये वाला फ्लैप निकलेगा, वेंट निकलेगा। इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप 10 नंबर, एक इधर दिया है एक इधर दिया है, देख लीजिए एक इधर है। तो चलो इसको मैं अलग करता हूँ और ये दोनों 10 नंबर खोलता हूँ। तो मैं ये खोल दिया, तो सॉरी 2 नहीं दिया हुआ रहता है 4 दिया हुआ है, देख रहे नीचे नीचे और 2 हैं ऊपर 2 और हैं, एक ये टोटल 4 वोल्ट खोलना पड़ रहा है यहाँ का अपने को। तो चलो मैं टेप को निकालता हूँ फिर, देख लीजिए आपके सामने ही निकाल लेता हूँ कैसा सिस्टम दिया है इसका। तो इसमें सॉकेटें लगी है 1 2 3 4, 1 2, तो मैं नीचे टेप गिर ना जाए कहीं, तो इसके उसे एक हाथ से निकाल करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना सब सॉकेट निकाल दिया, ये रही। तो टेप को पीछे होल्ड कर देता हूँ और इसको इसके कवर में लगा देता हूँ ताकि सेफ रहेगा ये। उसके बाद अपना
ये रहा 4 इंडिकेटर का सॉकेट, ये भी निकाल दिया और ये वेंट को पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो उसके बाद अपने को ये 10 नंबर खोलना है, इसका डैशबोर्ड एक साथ ही आएगा बोले तो, इसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं है, जॉइंट तो नहीं है कोई, एक साथ ही आएगा। इसके बाद ये वाली वेंट खोलना पड़ेगा अपने को, उसके बाद ये 10 नंबर, इधर का 10 नंबर, ये वाली फ्लैप बोल रहा हूँ, ये वाली कवर लॉक दिया है, नहीं चलो निकल गया, ये लॉक कुछ अलग टाइप का लॉक है, मेरे को माइनस इसको डाल लेके यहाँ से इसको अलग करना पड़ेगा तभी ये लॉक निकलेगा। तो चलो मैं निकालता हूँ इसको, तो दो लॉक दिया हो, एक ये और एक ये, सेम ये वाला प्रेस करेंगे ना तभी जा करके ये लॉक निकलता है। तो दोनों लॉक खोल चुका हूँ मैं, ये निकल चुका, पीछे होल्ड कर देता हूँ इसको। अब रही इधर का, अगर खोलने जाए तो इधर स्पीकर के अंदर कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ तो नहीं दिया हुआ है, बस ये क्लिप दिया हुआ है, तो बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो चलो ये क्लिप भी खोलता हूँ मैं, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, इस साइड का जो जो खोलना है मैं खोल देता हूँ, 10 नंबर जितने भी हैं सब खोलता हूँ। तो चलो अब मैं 10 नंबर जितने भी हैं इस साइड का सब खोल लेता हूँ, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और उसके बाद उधर भी रहेगा। तो इधर का मैं फाइनली पहले खोल लेता हूँ फिर उधर लेके जाता हूँ आपको। तो इस साइड का फाइनली सभी 10 नंबर खोल चुका हूँ मैं, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड इस साइड से हिल रहा है लेकिन बट उस साइड से नहीं हिलेगा अभी क्योंकि खोलना बाकी है। तो चलो मैं उस साइड शिफ्ट होता हूँ फिर आगे चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड आ जाइए आप, इस साइड 1 10 नंबर ये, 1 ये 2, उसके बाद ये ग्लो बॉक्स को अलग से निकाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्क्रू 1 2 3 स्क्रू रहेगा, 3 स्क्रू खोल के ग्लो बॉक्स को अलग कर देता हूँ। और ये वाला पैनल खुल चुका, पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद तो ये वाला भी 10 नंबर खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलना पड़ेगा मेरे को, या नहीं भी खोलेंगे तो चल जाएगा क्योंकि नहीं खोलना ही पड़ेगा। इधर एक ये दिया रहेगा, क्लिप दिया हुआ है इसमें, निकल चुका ये। अब अपने को ये तीनों स्क्रू खोलता हूँ फिर, तो फाइनली ये तीनों स्क्रू खोल चुका हूँ इसका, अब इसको आगे खींचेंगे, ये निकल चुका। तो ये पीछे वाला, ये वाला निकाला नहीं था मैं, तो इसको अलग करता हूँ मैं, इसके साथ जुड़ा हुआ तो दिख नहीं रहा सही, तो निकालता हूँ। तो फाइनली ये खुल गया अपना, अब पूरा खाली खाली दिख रहा है। अभी 1 10 नंबर ये, 1 ये 2, ये 2 खोलता हूँ फिर एयर बैग का भी खोलना पड़ेगा अपने को, तो वो पहले दोनों खोलता हूँ। खोलने के बाद 1 ये 3 नंबर ये खोलता हूँ, 3रा नंबर, चलो ये वाला फाइबर भी खोलता हूँ, वैसे ही दिया है, उसको स्क्रू ड्रॉअर से, माइनस का स्क्रू ड्रॉअर से सहारा लेकर के निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो ये भी फाइनली निकल चुका, तो पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसको हाथ से खींचेंगे, ये निकल जाएगा, पीछे होल्ड कर देता हूँ इसको भी। तो उसके बाद एक क्लिप यहाँ भी दिया हुआ रहेगा, तो ये क्लिप खोलता हूँ। बाकी ये सब 10 नंबर खुल चुका अपना, डैशबोर्ड लगभग इधर से ही आ जाएगा, लेकिन बट एयर बैग
एयरबैग का पहले ये निकाल देता हूँ, फिर एयरबैग के इसमें लेके जाता हूँ आपको। तो फाइनली इधर का भी खुल चुका, क्लिप निकाल दिया हूँ। अब रही ये एयरबैग का, ये नहीं ये वाली 12 नंबर। ओके, ये 12 नंबर खोलता हूँ मैं, तो फिर ये इजीली डैशबोर्ड अपना, एक ये और एक ये, दो खोलता हूँ, फिर इजीली डैशबोर्ड अपना बाहर आ जाएगा। तो चलो वो दोनों 12 नंबर खोलता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो देख पा रहे हैं एयरबैग के दोनों खोलने के बाद अब डैशबोर्ड अपना बाहर आ रहा है। तो कुछ सॉकेटें रहेगी शायद, ये एक सॉकेट यहाँ तो नहीं है, क्लिप में लगा हुआ, डैशबोर्ड में लगा हुआ है उसका क्लिप। तो चलो लगभग पूरा निकल चुका मेरा, तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली अपना ऊपर का डैशबोर्ड निकल चुका, देख पा रहे हैं आप। अब अपने को करना क्या है, इससे पहले मैंने कैमरे का डैशबोर्ड खोला था, सेम प्रोसेस अंदर का वही दिया है, सिर्फ डैशबोर्ड में चेंजिंग था, डैशबोर्ड में उतना चेंजिंग नहीं था, सेम प्रोसेस इसमें भी वैसा ही है। तो चलो सेम प्रोसेस की तरह खोलते हैं अपन इसको, ये वाला फाइबर निकाल देते हैं। यहाँ पे सॉकेटें रहेगी कुछ जो कि निकालना रहेगा अपने को। तो बाकी इसका जो वायरिंग है इसके साथ लेंगे अपन एंगल के साथ, और क्लाइमेट कंट्रोल को यहीं छोड़ देंगे, वो भी बेटर रहेगा, या फिर क्लाइमेट कंट्रोल के आप साथ भी निकालोगे तो भी बेटर रहेगा। बट अगर इसके साथ निकालोगे तो ये सेटअप पूरा खोल के निकालना पड़ेगा आपको, तो इससे अच्छा ये है कि काफ़ी वज़न उठाना पड़ेगा, तो वज़न नहीं उठा करके आप काम को हल्का कर दे तो बेटर रहेगा। इसको अलग कर दे, स्टीयरिंग को नीचे ले लें, उसके बाद एंगल को अलग निकालेंगे और क्लाइमेट कंट्रोल को अलग निकालेंगे, तो काम अपना हल्का होगा, इजी होगा, खोलना ज़्यादा पड़ रहा है बट लेकिन इजी होगा। तो चलो अपन खोलते हैं, फिर क्या क्या खोलना हो। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग को खोल के नीचे ले लेता हूँ। ओके, तो स्टीयरिंग बॉक्स को नीचे लेने के लिए सबसे पहले ये वाला खोलना पड़ेगा जो कि 10 नंबर से दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं 10 नंबर। तो ये डक्ट खोलेंगे तो फिर पीछे का बोल्ट इजीली अपने को दिख जाएगा, तो चलो ये दोनों ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये खुल गया, तो अब 14 नंबर का पीछे का खोलने के लिए अपने को इजी पड़ जाएगा। तो चलो ये आगे का दोनों 14 नंबर खोलता हूँ। तो फाइनली अपन दोनों 14 नंबर का बोल्ट पीछे का खोल के, 3 14 नंबर बोल्ट खोल के इसको नीचे ले लिया हूँ, और ये सब सॉकेट खोलना पड़ा मेरे को, तो इसको पीछे ले लेता हूँ मैं। अब ये वाली सॉकेट भी खोलना पड़ेगा मेरे को, ये स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग बॉक्स का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। तो फिर अब मैं साइड का खोलता हूँ, और इसको वायरिंग और एंगल साथ में निकालने वाला हूँ मैं। तो ये वाला फ्लैप भी खोलना पड़ेगा अपने को, एक यहाँ ये दिया है और एक यहाँ दिया है, तो ये निकल जाएगा अपना। उसके बाद ये अर्थिंग का तो इधर ही रहेगा, ये सॉकेट खोलना पड़ेगा। तो ये 12 नंबर खोलता हूँ मैं, और जो जो सॉकेट लगी है अपने को, जो जो वायरिंग खोलना पड़ेगा वो सब खोलता हूँ मैं, फिर बाद में दिखाता हूँ आपको। तो अपने को ये वाला बॉक्स का निकालना पड़ेगा, जो कि ये वायरिंग इससे लगा हुआ कनेक्टेड, तो ये सॉकेट निकालना पड़ेगा मेरे को कुछ। तो चलो मैं ये सॉकेट खोलता हूँ। तो फाइनली अपना ये एंगल भी खुल चुका, और ये वाला वायरिंग सब निकाल दिया हूँ, ये पीसीएम से सब सॉकेट खोल दिया हूँ ये वाला, और ये एंगल खोलना पड़ेगा इधर की 10 नंबर दोनों को, 12 नंबर खोल दिया हूँ, इधर का भी खोल दिया हूँ, बस निकालना बाकी है। और इधर का सॉकेट मेरे को यहाँ से अलग करना पड़ेगा, ये सॉकेट खोलना पड़ेगा। तो चलो फाइनली ये सब खोलता हूँ और एंगल को अलग निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये वाला वायरिंग ये वाली एंगल से निकाल दिया हूँ, उसके बाद इधर का एंगल भी खोल दिया हूँ, ये वाली इधर का एंगल था ये खोल दिया हूँ, उसके बाद एक एंगल यहाँ का था, इधर गया एंगल पीछे रख दिया हूँ, ये वाली एंगल ये खोल के इसको इधर होल्ड कर दिया हूँ मैं,
उसके बाद ये वाला वायरिंग पीछे तक आया है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे कुछ अलग करना पड़ा। उसके बाद सेम ये वाला वायरिंग इधर रहता है, नहीं सॉरी ये वाला वायरिंग नहीं, हाँ यही वाला वायरिंग, इधर की सॉकेट सब क्लिप निकाल करके अलग करना पड़ा मेरे को। ये दो बटन तो इधर ही रहे, होल्ड कर लूँगा मैं इसको। उसके बाद सब इधर का खुल गया, साथ में ही आएगा देख लीजिए। अब इसके बाद इधर का जरा मैं उस साइड जा कर के दिखा देता हूँ आपको। तो फाइनली इस साइड का ये जो सॉकेट है पूरा, इसको अलग कर दिया हूँ, ये सब सॉकेट खोलना पड़ा। उसके बाद ये वाली सॉकेट, सॉरी ये वाली सॉकेट तो नहीं, ये बाद में खोलना पड़ेगा अपने को, फ़िलहाल अभी के लिए ये ब्लोअर रेजिस्टेंट की सॉकेट निकाल दिया हूँ। उसके बाद ये सब सॉकेट तो दिखाई दिया हूँ, और एक 10 नंबर ये वाला, और बाहर से मेरे को 2 12 नंबर खोलना पड़ेगा, 12 या 14 नंबर रहेगा ये वाली। तो बाहर चलते हैं, देखता हूँ कॉल पैनल खोलने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, बाकी सब अंदर से खुल गया। तो चलो फिर बाहर चलते हैं, खोल के फिर आगे फाइनल दिखाता हूँ मैं आपको। तो हेलो गाइस, फाइनली अपना अंदर से सब कुछ खुल चुका है, मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा। लेकिन बट अभी यहाँ की बोल्ट और यहाँ की बोल्ट, 2 12 नंबर बाहर से दिया है, तो वो खोलने के लिए अपने को काफ़ी चीज़ें खोलना पड़ रहा है। तो चलो मैं बाहर दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें खोलना पड़ रहा है। तो इसका खोलने के लिए अपने को सबसे पहले ये कॉल पैनल, ये देखो खोल दिया हूँ, और वाइपर मोटर भी निकालना पड़ेगा अपने को। उसके बाद ये पत्रा भी निकालना पड़ेगा, तभी नीचे का 12 नंबर 2 दिखेगा अपने को। तो फाइनली देख रहे हैं आप, इसको खोलना पड़ रहा है अपने को। खोलने के बाद ये दिखेगा अंदर, तो खोल देता हूँ इसको, फिर आगे का 12 नंबर में आपको दिखाता हूँ। तो चलो खोल देते हैं इसको, देख लीजिए आप, ये रही इसका कॉल पैनल, ये रही इसका 12 नंबर, देख पा रहे हैं। इसने के लिए इतना खोलना पड़ रहा है अपने को, 2 12 नंबर के लिए बस। तो चलो यहाँ से इजीली हो जाएगा अपने हीटर पाइप एक्सपेंशन वाल्व का ज्वाइन करने के लिए। तो चलो फिर फाइनली मैं इसको खोलता हूँ, खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं, एंगल निकालते हैं अपन, निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो एंगल निकालते हैं फाइनली। तो अब आप देख पा रहे हैं एंगल हिल रहा होगा, हिल रहा है। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ। अब ये पूरा फाइनली क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ सॉकेटें लगी रहेगी किधर ना किधर, या लॉक में लगा रहेगा ये, सॉरी एक देखो एक 10 नंबर ये सामने ही मेरा लगा हुआ है। तो चलो ये 10 नंबर मैं खोलता हूँ। तो फाइनली मैं क्लाइमेट कंट्रोल और एंगल और वायरिंग सब साथ में निकाला हूँ, ये रही सब साथ में निकाल दिया, क्योंकि एंगल का इसका सिस्टम कैसा दिया था कि ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं ना, ऊपर उठा सकते हैं ना नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठा करके, थोड़ा सा ऊपर उठा करके ये बाहर लेना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर जो लॉक बैठा हुआ था वो निकल नहीं रहा था, इसकी वजह से मैं इसके साथ ही निकाल दिया। तो चलो फिर मैं अब उसमें चलता हूँ, चल के खोलता हूँ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को। तो मैं इसमें 3 बोल्ट है, ये 2 ये 3 10 नंबर खोलता हूँ, और इसको एंगल से अलग करता हूँ। तो मेरा इसको अलग करके, एंगल से अलग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको अलग करके ब्लोअर का सेटअप को अलग करके इधर से देख पा रहे हैं ये वाइब्रेटर कॉइल निकल जाएगा। तो चलो फिर इसमें सब कुछ खोलना पड़ेगा मेरे को, स्क्रू ये एसी का ये खोलना पड़ेगा मॉड्यूल। और तो चलो फिर मैं खोलता हूँ इसको, खोल के निकालता हूँ इवेपोरेटर कॉइल। तो अपना ये खुल गया इवेपोरेटर कॉइल, और नया वाला इवेपोरेटर कॉइल दिखा देता हूँ। इसमें न्यू इवेपोरेटर कॉइल, ये रही। तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ, फाइनली फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको।
तो फाइनली अपन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट का एवेपोरेटर रिप्लेस करके एंगल के साथ वापस से मैं बैठा दिया हूँ इसमें। तो चलो अब इसमें थोड़ा बहुत तो जो कुछ भी खोला गया था धीरे धीरे फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करके फिर मैं फिटिंग करने टाइम बहुत कम ही ये दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसकी वजह से। तो चलो फिर थोड़ा फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना पूरा फिट हो चुका जैसा जैसा खोला गया था, वायरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, एंगल, जो कुछ भी जैसा भी खोला गया था सब फिट हो चुका है। अंदर का, बाहर का भी तो फिट हुआ है, बाहर का बाद में दिखाऊंगा आपको। तो ये अंदर का प्रॉपर तरीके से सब फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। तो चलो अब मैं इसके ऊपर डैशबोर्ड डाल देता हूँ, डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन डैशबोर्ड भी डाल दिए हैं, तो देख पा रहे हैं हम डैशबोर्ड डल चुकी है। तो चलो मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, बाहर अपने काम चालू है। तो चलो बाहर चलते हैं। तो ये देखिए सब खुला पड़ा है, सब खुला है। सबसे पहले आप कंप्रेसर देख लीजिए, ये रही इसका कंप्रेसर, न्यू डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद ये रही कंडेंसर, ये भी न्यू डाला जा रहा है, पुराना वाला ये सब है। तो चलो फिर मैं इसमें नया वाला इंसर्ट करता हूँ, नया वाला इंसर्ट करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस फाइनली लगभग फिटिंग होने को आया है, बस स्टीयरिंग का सेटअप बाकी है। इधर का तो फिटिंग हो ही गया, टेप वगैरह बैठा दिया हूँ, बाकी ये सब बैठाना बाकी है, कंसोल बॉक्स वगैरह। तो बाहर का भी लगभग फिट होने को है। तो चलो फिर मैं इसे फिटिंग करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे आपको। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड तो लगभग फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं। बस मीटर वीटर भी लग चुका है, कंट्रोल पैनल भी लग चुका है, बस कंसोल बॉक्स बाकी है। तो मैं ये वाला लॉक के बारे में ज़रा बता देता हूँ कि जब आप इसको फिटिंग करेंगे ना, इसको पूरा अंदर डाल देने का, क्योंकि जब ये निकलता है तो पूरा बाहर आ जाता है। अपन जब इसको खींच के निकालते हैं, इसे डाल के इसको यहाँ पे प्रेस कर देने का, प्रेस हो गया तभी जा करके ये बैठेगा। सेम इस साइड का, प्रेस कर देने का, उसके बाद डाल के इसका होल लेवल में रख करके बैठ गया ये। तो चलो फिर मैं अब ये सब सेटअप फिट करता हूँ। तो गाइस फाइनली सब फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं। सिर्फ स्टीयरिंग का सेटअप लगाना बाकी है और यहाँ का कवर वगैरह लगाना बाकी है, बाकी सब फिट हो गया। बस इधर का भी फिट हो गया, कंसोल बॉक्स भी फिट हो गया। तो चलो जरा मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, प्रेशर मार के रखा हूँ, कंडेंसर कंप्रेसर वगैरह सब कुछ फिट हो गया। तो चलो बाहर चलते हैं अपन सबसे पहले। तो चलो चलते हैं बाहर, जरा सब देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, जो भी कुछ खोला गया था सब फिट हो गया। फ्लास ऑन कर देता हूँ, कंडेंसर न्यू फिट हो चुका, सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। तो चलो फिर मैं अंदर फाइनली फिटिंग करके गाड़ी वगैरह चालू करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली देख पा रहे हैं पूरी तरीके से गाड़ी फिट हो चुकी है और गाड़ी मैं चालू कर चुका हूँ। और सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको बाहर दिखाने के लिए कि कंप्रेसर पंपिंग वगैरह प्रेशर कितना बना रहा है अभी, ताकि चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलो बाहर चलते हैं अपन। तो चलो बाहर चलते हैं अपन, देख लीजिए चलो फिर अंदर में। तो फाइनली मैं बाहर आपको दिखाया सब कुछ वगैरह बराबर तरीके से, क्या काम कर रहा है, कैसा चल रहा है। तो गाइज
आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो बना करके जो मैं आपके सामने लाया, तो आपको किस तरीके से लगा, कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं लाया, तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छी है या ख़राब, ख़राब है तो ख़राब कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बस आप, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो बना करके दिखा के सामने, आपके सामने ला करके, कुछ ऐसा उल्टा सीधा ये नहीं है। बस मेरा रीज़न ये है कि ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, बस और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।